ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम 7 मार्च की श्री वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहां पर हमें परमपिता परमात्मा ने कहा है कि तुम सारी प्राप्तियों को याद करो। कलयुग के अंत पर जब सारे धर्म होते हुए भी, सारे धर्म शास्त्र होते हुए भी, इतने गुरु गोसाई बाबास होते हुए भी दुनिया में अशांति है, झगड़े हैं, धर्मों की आपस में ही लड़ाई हो रही है, आपस में ही क्रिश्चियन क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, आपस में ही मुसलमान मुसलमान, आपस में ही सिख सिख लड़ रहे हैं, आपस में ही हिंदूज लड़ रहे हैं, बीच में ही फूट लगी हुई है। तो परमात्मा कहते हैं उस समय मुझे आकर के तुम्हें सारे रहस्यों के बारे में बताना पड़ता है कि ये कलयुग खत्म कब होगा, कैसे होगा, और सत्ययुग मतलब कि स्वर्ग इस दुनिया में फिर से रीस्टार्ट कैसे होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें सारे खजाने मिल जाते हैं, राज मिल जाते हैं, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी हलचल में नहीं आना चाहिए। तो देखें बाबा कहते क्या हैं, परमात्मा कहते हैं ये सर्व प्राप्तियों, हमें क्या प्राप्तियां हुई हैं, ये सारा जो हमें ज्ञान मिला है, सारे राज परमात्मा ने बता दिया कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या किया हमने, प्रेजेंट में क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, और इनको हमें कैसे आगे अपने जीवन में यूज करना है इस ज्ञान को, ताकि हम हमेशा के लिए सुख शांति में रहें। तो ये हुई प्राप्तियां हमें इस ज्ञान की। और प्राप्तियां और क्या हुई ज्ञान के बाद, हमें शांति मिली, सुख मिला, आनंद मिला, खुशियां मिली कि प्रभु ने क्या, परमात्मा पिता ने किस तरीके से ड्रामा रचा है, और हमें सारे सीक्रेट्स पता चल गए। अब कोई नई बात नहीं है, कोरोना आ जाए कोई नई बात नहीं है, तीसरा महाविश्व युद्ध आ जाए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हलचल में नहीं आएंगे अब तो हम। फिर परमात्मा कहते हैं सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। परमपिता परमात्मा या गॉड कहें, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो कभी हलचल में नहीं आ सकते, वो अचल अटल हैं, क्योंकि उनको सारा राज पता है कि ड्रामा में क्या हो रहा है। वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन क्या वो हाय तौबा करेंगे बैठ के ऊपर? नहीं, उनको पता है ये सब कुछ होना ही था, ये होना ही है और हुआ पड़ा है। और हमें भी जब परमात्मा बता देते हैं कि आगे आगे चलो तो देखो क्या होगा, तीसरा महाविश्व युद्ध भी होने वाला है, तो हम हलचल में नहीं आते, क्योंकि सारा टेस्ट पेपर, एग्जाम का टेस्ट पेपर लीक हो चुका है। फिर परमात्मा कहते हैं विस्तार में, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। परमात्मा ना हमें क्या कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो आप, ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं, उनको हम परम पिता कहते हैं, तो हम उनके बच्चे हो गए। तो बच्चे को तो पता होना चाहिए है ना, घर कैसे बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड कहाँ पर है ना, कहाँ से स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है लाइट को, फिर पानी प्रॉब्लम आ जाए तो कहाँ पर जाकर के चेक करना है। ये तो पिता जब घर बनाता है तो बच्चों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब ये दुनिया में भी ड्रामा को रचा हुआ है, तो क्या हमें पता है कि परमात्मा ने ये ड्रामा कैसे रचा है? अगर नहीं रचा है तो हम नास्तिक हैं। लेकिन अगर हमें परमात्मा ये चीज़ बता देते हैं कि ड्रामा कैसे रचा है, तो हम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं, मतलब इन्फॉर्म्ड बन जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि बच्चे हैं, ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। कोई बोलता है मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ, कोई बोलता है मैं फलाने करोड़पति का बच्चा हूँ, कोई कहता है मैं फलाने प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूँ, कोई कहता है आपको पता नहीं मैं इसका फलाने व्यक्ति का बच्चा हूँ मैं, जो बहुत ही पॉपुलर है। परमात्मा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, इससे ऊंची शान की कौन सी बात हुई, वो बाकी दुनिया भी शान उसके सामने गिर गई। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं, कि जो हमेशा ये सोच कर चलते हैं मैं जब भगवान का बच्चा हूँ तो मुझे रॉयल रहना है, मेरे को अच्छी से बातें करना है, मीठा रहना है, मुझे परमात्मा की क्वालिटीज को दर्शाना है लोगों के सामने, जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। परेशान कब होते हैं? जब हम क्रोध अहंकार ईर्ष्या घृणा नेगेटिव चीजें यूज करते हैं रावण की, और हम गुणों जो परमात्मा के बच्चे होने के नाते हमें दिखाने चाहिए तो उनको हम यूज नहीं करते हैं, तो हम परेशान होना शुरू होते हैं, तब अशांति बढ़नी शुरू होती है मन बुद्धि में। बाबा कहते हैं देवताई शान से भी ऊंचा है ब्राह्मणों का शान। जो देवता थे उनसे भी ऊंचे ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों को सारा ज्ञान होता है कि परमात्मा की रचना कैसे रची है और परमात्मा है कौन। और हम उस जगह जो कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है भाई वापस जाना है, लेकिन जानते नहीं है। आप जानते हो वापस कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, कहाँ वापस जाएंगे? ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे आंसर दीजिए। अगर आपके पास में आंसर हो तो आप लिखिए इसमें मैसेज में आंसर कि हम भाई वापस वहां से आए थे, वहीं जाना है, वो दुनिया किधर है, उसका नाम क्या है। अगर आप नहीं जानते तो फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी पता नहीं है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको पता होता है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ वापस जाना है, कब जाना है, किस समय जाना है और किस विधि से जाना है। तो
ब्राह्मणों को सब पता होता है, तो ब्राह्मणों की ये शान होती है, उनके पास ब्रह्म ज्ञान होता है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो गॉडफादर कहती है, लेकिन परमात्मा जब तक ना चाहे तब तक वो अपनी अपना परिचय और अपनी सत्यता अपने बच्चों के सामने नहीं रखता, और आहिस्ते आहिस्ते जो जो बच्चे तैयार हो जाते हैं उनके सामने अपना खुलासा करता रहता है। तो ये भाग्य की बात हुई। परमात्मा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों, प्राप्तियां क्या हुई, जब हमें ये ज्ञान मिला तो मन बुद्धि शांत हुआ। अच्छा ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, अच्छा ये होने वाला है भविष्य में, अच्छा कोरोना जैसी यहाँ महामारियां बहुत सारी आने वाली हैं भविष्य में, नथिंग न्यू, कोई घबराने की बात नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया, परमात्मा ने पहले ही बता दिया बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा तीसरा महाविश्व की बात होने वाली है, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो 80 साल पहले ही बता दिया परमात्मा ने कि क्या क्या होने वाला है, तो हमें कोई नथिंग न्यू, हमें कोई घबराने की चीज़ है ही नहीं, हम तैयार बैठे हुए हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये प्राप्तियाँ हुई हमें, है ना, परमात्मा के ज्ञान खुलासा करने से, ड्रामा में क्या क्या होने वाला है, कलयुग कैसे अंत होने वाला है, तो ये कैसे पता चला, इसको अगर आपको भी पता करना है तो आपको 7 डे कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको बताया जाएगा आस्ते आस्ते, और सिर्फ सात दिन में नहीं, उसके आगे भी पढ़ाई चलती रहती है हर दिन 1 घंटे की, वो भी आप करते रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि परमात्मा ने प्लान क्या किया हुआ है इस दुनिया के लिए, और इंसान क्या प्लान कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो आज का ये श्री वरदान, इसी के साथ में ओम शांति।